गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास हिस्ट्री की बुक से सेकंड लेसन, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना का जागृत होना। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों को समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए तरीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ था। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय के अध्ययन अगर किया जाता है, वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी, जब तक गांधी जी भारत में नहीं थे। इस अध्याय में हम 1920 के दशक की बात करेंगे, जब गांधी जी का भारत में आगमन होता है और इसमें असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रमुख रहे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन, कहते हैं 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था, लेकिन 1919 का साल राष्ट्रीय आंदोलनों नए इलाकों तक फैल गया था 1919 तक की, और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ गई थी उस समय। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके परिणाम क्या होंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों को मुश्किलें बढ़ गई। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918-19 में और 20-21 में देश के बहुत सारे इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1919 और 1920-21 देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो चुकी थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी, खाद्य पदार्थों की भारी भारी कमी हो गई थी। उसी समय फ्लू की महामारी, 1921 में जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्षिक और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, सत्याग्रह का विचार। कहते हैं 1915 में भारत में लौटे थे गांधी जी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन का रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लवादी सरकार की सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस विधि को ये सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का पर आग्रह, सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को भी नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अतः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यही धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए।
इससे पहले यहाँ गांधी जी ने, हम एक बात और देखते हैं, यहाँ गांधी जी ने सबसे पहले भारत की राजनीति को जानने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीति गुरु बनाया था, और राजनीति की जानकारी लेने के बाद तब उन्होंने यहाँ की स्थिति पर जायजा लिया और 1917 में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण इलाके में चलाया। बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने के कारण, प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा के किसान कर चुकाने में सफल नहीं थे, उनकी हालात ख़राब थी। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दे दी जाए या उनका लगान इस साल के लिए डिले कर दिया जाए। फिर 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे थे। इस में क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था, कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस स्पीड से कपड़ा बन रहा था, उसे विश्व युद्ध समाप्त होने से उसी स्पीड से बनता जा रहा था। मजदूरों को काम करने के लिए मिल मालिकों ने कहा था कि युद्ध के बाद हम आपको बोनस दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। इसके खिलाफ एक आंदोलन था, रॉलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ नए राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस नए कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बहुत जल्दी ही पास कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और सरकारी कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। वे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू करते हैं, विभिन्न शहरों रैलियों में जुलूस निकाले गए। 10 अप्रैल को पुलिस 10 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब जनसभा एकत्रित हुई तो वहाँ जनरल डायर ने मोर्चा संभाला। वहाँ मार्शल ला लागू था तो जनरल डायर ने वहाँ सैनिक ले जाकर गोलियां चलवा दी, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बताया जाता है कि वह सत्याग्रही को जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा हो गया, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। जलियांवाला बाग की खबर फैली उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में, लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों की निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहबों को सलाम के लिए मजबूर कर रही थी। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉयल एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य स्तर से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बगैर ऐसा नहीं हो सकता। खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते थे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैल गई थी कि वह इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा, तुर्की के जो आध्यात्मिक नेता थे जिनको खलीफा की उपाधि थी, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए धर्मगुरु माने जाते थे, एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी गई थी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाइयों की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। दूसरी सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग ही क्यों, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में जो लिखी गई थी गांधी द्वारा, उसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया है और वह शासन इसी के सहयोग से चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग उनसे वापस ले लें तो ये शासन जल्दी ही ढह जाएगा और हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन गया? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियाँ लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतें, परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों का पर सख्ती से वे नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रहेगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिर दिसंबर 1920 में
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ेगा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। असहयोग आंदोलन असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हर एक के लिए उसका अर्थ अलग था। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी थी। जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ होता है धरने देना, शांतिपूर्ण तरीके से धरने देना। वहाँ लोगों ने शराब की दुकानों पर जाने से रोकने के लिए शराब की दुकानों के सामने धरने दिए, इसे पिकेटिंग कहा गया। दो नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। भाई ग्रामीण इलाकों में इसका असर क्या था? शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहातों में फैला। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासी संघर्ष भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र जो फिजी में गिरिमिटिया मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, उनका आंदोलन तालुकदार जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों के भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ रही थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर कोई उसका अधिकार न कर सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म कर दी जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित किया गया। पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला किया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव का दौरा किया, गांव वालों ने बातचीत की, उनसे समझाने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। भाई 300 ज़्यादा इसकी शाखाएँ थी। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रह रहे आदिवासियों की, जो गुरिल्ला आंदोलन फैला रहे थे। कांग्रेस इस तरह की संघर्ष की कभी तैयार नहीं हो सकती थी। अन्य क्षेत्रों में यह आंदोलन चला। कहते हैं जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन की लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। इनसे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। वे केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उन्हें परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। सड़कों के लिए निर्माण के लिए बेकार करने का मजबूर किया जाता था। इनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि वे उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। स्टिक खगोली अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोली लगने पर भी नहीं मर सकते वो। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के द्वारा ही आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। गुडेम में विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन गए। अब बागानों के लोग स्वराज का अर्थ क्या ले रहे थे? कहते हैं 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर पाबंदी थी कि वो बागान नहीं छोड़ सकते थे। बागान वो विरले ही कभी होता था कि मालिक खुश होकर उन्हें बागान से जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब इन्हें स्वराज की बात सुनी तो उन्हें लगा कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे, और वो मालिकों का कहा न मानने लगे और बागान छोड़कर चल दिए। लेकिन रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा उन्हें। भाई आदिवासियों ने गांधी जी का नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे और अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था।
अब आता है इसका थर्ड टॉपिक, सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर, सविनय अवज्ञा क्या था? आपके लिए इतना ही। इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस किए हैं बीच में, आप लोग उनको ध्यान से देखेंगे और उनके ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें नोट कर लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उनसे उनके बारे में लिख सकें। और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।